नीचे आओ, सारी रात चांद देखना है क्या? चलो सलाम अबू, चांद रात मुबारक। सलाम अलैकुम अबू। तुमको भी। लेकिन ये बताओ ये क्या बेहूदगी है, ये छत पे आतिशबाजी क्या उड़ा रहे हैं? जी अबू बच्चे। अरे कुछ दिनों के बाद तुम बाप बनने वाले हो, खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ईद के चांद को देखने के बाद दिवाली की तरह पटाखे छोड़े जाएं। लेकिन नाना अबू, इस्लाम में पटाखे फोड़ना मना तो नहीं है, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इंसान तो ढोल भी बजा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में साबित भी होता है। अरे शमा, ये कैसा बेटा पैदा किया है तुमने, ये कोई इसकी उम्र है ऐसी बातें करने की? नाना जान, इंसान की दो उम्र होती है, एक फिजिकल उम्र, एक दिमाग की उम्र। आप किस उम्र की बात कर रहे हैं? मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरे दिमाग की उम्र कम नहीं है। बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरत सुननी? अरे साहेब, अरे समझ गया मेरे भाई, समझ गया मेरे बाप। अरे आलिम शेर जानते हैं कि पूरा कुरान शरीफ तुम में हिफ्ज है। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे इमरान जी, चलो मौलाना भाईजान को चांद की मुबारकबाद देकर आते हैं। जी आते हैं। चलिए। लो जी, गरम गरम चाय तैयार है। चलो शरबती से ही पूछ लेते हैं। हाँ। लड़का है या लड़की? हाय अल्लाह, हम तो ना लड़का है ना लड़की। चल मोइन आस्पिटे, हम तुम्हारी बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो इमरान की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि लड़का होगा और सकीना कह रही है कि लड़की। दोनों हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ। ना बाबा, एक ही चाहिए, लड़का हो या लड़की, दो दो कौन संभालेगा? हम है ना संभालने को। और एक को दादी जान संभालेंगी और एक को फूफी जान संभालेंगी, है ना? हाँ हाँ, और नानी माँ होती तो वो भी संभाल लेती। अमरीन बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं, पर अब माँ बनकर मैं अपने बच्चे को सारी दुनिया की खुशियां दूंगी और ढेर सारा प्यार दूंगी। हम हैं ना तुम्हारी अम्मी जान, हम्म?